रहीम अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। अल्लाह के फजलो करम से मैं भी ठीक हूँ। आज बहुत बारिश हो रही है। मैंने शॉप ओपन कर चुका हूँ। सुबह सुबह का वक्त हो रहा है। बहुत अच्छा मौसम हो रहा है, माशाल्लाह खुशगवार मौसम है। मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसा मौसम हो रहा है, किस तरह की बारिश हो रही है हमारे यहाँ पर। क्योंकि ज़्यादा बरसात है और बरसात के अंदर बारिश होती ही है, आप सबको पता है। बहुत सी जगह नहीं भी होती है, बहुत जगह का मौसम अलग डिफरेंट होता है। हमारे यहाँ पर तीन मौसम है, गर्मी सर्दी बरसात। अल्लाह का करम है कि हमें तीनों मौसम देखने का मौका मिलता है। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें। चलिए दिखाता हूँ आपको आज की मौसम की कैसा मौसम हो रहा है। ये देखें माशाल्लाह कितना अच्छा मौसम हो रहा है, फुल बारिश हो रही है। देखें ये देखें पानी बह रहा है, जबरदस्त जबरदस्त बरसात है। देखें झिमझिम बारिश हो रही है। ज़बरदस्त बरसात है, कई दिन हो गए हैं लगातार बारिश होते हुए। कल भी बारिश थी, परसों भी बारिश थी, आज भी बारिश है। कल को भी अल्लाह को पता है कि बारिश होगी नहीं होगी, क्या रूटीन है, सब चीज़ अल्लाह के हाथ में है। लेकिन यह है कि मौसम बहुत अच्छा हो चुका है। गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही थी, मौसम में बहुत चेंज और बदलाव देखने को मिला है। ठंड होने लग गई है, क्योंकि आ गया तो अब ठंड का मौसम भी है। तो जी ये था, अब मैं थोड़ा सा शॉप का काम कर लेता हूँ। सामान सेट करते हैं, थोड़ा शॉप का जो सामान जहाँ का है वो वहाँ पर लगाते हैं। ये टॉफ़ी के डिब्बे हैं, इनको यहाँ पर लगाते हैं, उठाते हैं। क्योंकि सामान सेट करना भी बहुत ज़रूरी होता है शॉप का। अगर सामान अच्छे से ना लगा हुआ हो तो दुकान के अंदर ऐसा दिखता है क्या, जैसे पता नहीं क्या है। तो इस पर ग्राहक पर भी असर पड़ता है। ग्राहक भी सोचता है कि दुकान के अंदर गंद मचा रखी है। तो मैं ये डब्बे यहाँ पर सेट करके अच्छे तरीके से लगाऊंगा। देखिए ये तरतीब से सामान ये इस तरह मैंने लगा लगा दिया है। काउंटर की सफाई करते हैं, काउंटर साफ करता हूँ। पर ये फाइनली दुकान की सेटिंग करना रहता है। दुकान की सेटिंग करना रहता है, दुकान को बहुत साफ़ सफाई की ज़रूरत पड़ती है। क्योंकि हमारा काम ऐसा ही है, बेकरी का काम है, इसके अंदर साफ़ सफाई ज़्यादा चाहती है और कामों के अंदर भी साफ़ सफाई होनी चाहिए। लेकिन क्योंकि खाने पीने का सामान है, इसके अंदर बहुत ही मैं चाहता हूँ कि अच्छी तरीके से साफ़ सफाई रहे, ग्राहक को इम्प्रेशन पड़े कि नहीं साफ़ सुथरी दुकान है। ग्राहक चिढ़ेगा जब साफ़ सुथरा मामला होगा, ग्राहक आएगा आपके पास, उन्हें सबसे ज़्यादा साफ़ सफाई का ख्याल रखें। क्योंकि अगर आप साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे, पाकी आधा ईमान है। और अगर हम लोग ही नहीं साफ़ सफाई का ख्याल रखेंगे तो फिर कौन रखेगा। तो इसीलिए घर पर हों, जहाँ भी हों, साफ़ सफाई का विशेष ख्याल रखें। तो आज की वीडियो यहीं तक थी। मैंने आपको जो दिखाया जो हुआ, तो नई वीडियो के साथ अगर मिलते हैं। अस्सलाम वालेकुम।